नमस्कार, मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में बॉलीवुड के उन तमाम बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो पिछले साल रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनके डेट को टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। जी बता दें कि उसमें तमाम बड़े स्टार्स की फिल्में थी, चाहे वो सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, रणवीर सिंह हो गए, रणबीर कपूर हो गए, ये बड़े स्टार्स हैं। उन और इनका जो फैंस का हुजूम है, ये एक बड़े तादाद में इनके फैंस हैं, तो इनकी फिल्मों का इंतज़ार इनके फैंस को लंबे समय से था। फैंस के लिए खुशखबरी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि रिलीज डेट है कई फिल्मों के, वो आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सलमान खान की फिल्म राधे के साथ। सलमान खान की फिल्म आने वाली थी पिछले साल, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। इस फिल्म का जो है रिलीज डेट पिछले साल टल गया था और 13 मई को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। सलमान खान ने इंस्टाग्राम के थ्रू ये जानकारी अपने फैंस से साझा की। इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर को रिलीज़ करते हुए उन्होंने नीचे कैप्शन में लिखा कि ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे, तो 13 मई को ईद है इस साल और ईद पर रिलीज़ करेंगे। उसके आगे उन्होंने लिखा था कि क्योंकि एक बार जो मैंने .. इसके आगे का डायलॉग हम पूरा कर देते हैं। सलमान खान के एक फिल्म का डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जी तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा, जो कि एक्टर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं, बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं। उसी के साथ इस पोस्टर को देख के तो ऐसा ही लगता है कि जो फिल्म है एक्शन थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि पोस्टर में सलमान खान एक हाथ में गन लिए हुए नज़र आते हैं। चलिए इस फिल्म के पोस्टर की बात करते हैं जो इंस्टाग्राम पर सलमान खान ने शेयर की है। उसको अभी तक 1.7 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं, साथ ही साथ उस पर 40,000 प्रतिक्रियाएँ आ चुके हैं कमेंट के माध्यम से। उसी के साथ अगर बाकी के स्टार कास्ट की बात करते हैं तो इस फिल्म में सलमान खान अहम भूमिका में है। उसके साथ सलमान खान के साथ दिशा पाटनी आपको दिखेंगी, उन्हीं के साथ रणदीप हुड्डा भी अहम भूमिका में नज़र आ जाएंगे। तो सलमान खान की ये फिल्म आने वाली है। इसके साथ अगली फिल्म की बात करते हैं जो कि मल्टी स्टार फिल्म है। इसका नाम है सूर्यवंशी। जी हाँ, सूर्यवंशी को डायरेक्टर रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ इसका रिलीज डेट है 30 अप्रैल। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से 30 अप्रैल को रिलीज डेट और पोस्टर साझा करते हुए फैंस को ये जानकारी दी कि ये जो फिल्म है काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने ये लिखा कि हमने आप वादा किया था एक बेहतर सिनेमैटिक व्यू के लिए और वो हम आपको देंगे, पुलिस आ गई, ये उन्होंने कैप्शन में लिखा था। चलिए बता दें कि इस फिल्म के स्टार कास्ट में अक्षय और कटरीना कैफ हैं। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की कई फिल्में आ चुकी हैं इसके पहले भी, और जो दर्शक हैं वो खासा इस जोड़ी को पसंद करते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म में अजय देवगन और रणबीर सिंह आपको कैमियो करते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद अगली फिल्म की बात करते हैं तो अगली फिल्म है 83 नाम है फिल्म का, 83। जी हाँ, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और कपिल देव भारत के दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की जीवनी पर यह फिल्म बन रही है, जिसमें रणवीर सिंह जो है अहम भूमिका में आपको नजर आएंगे। रणवीर सिंह कपिल देव का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म का रिलीज डेट जो है 4 जून है। रणवीर सिंह ने ट्विटर पर रिलीज करते हुए फिल्म का पोस्टर और ये लिखा कि 4 जून रिलीजिंग ऑन 4 जून, सी यू इन सिनेमा हॉल्स। जी बता दें कि ये फिल्म जो है ये कई लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, कन्नड़, तमिल, तेलुगू और हिंदी में। जी इसके बाद अगली फिल्म की बात करते हैं तो रणबीर कपूर की शमशेरा फिल्म है, ये 25 जून को रिलीज़ हो रही है। इसी के साथ रणबीर सिंह की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जयेश भाई जोरदार, ये 27 अगस्त को रिलीज़ होगी। इसके साथ अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, जी हाँ, जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 में, तो मानुषी छिल्लर और अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, जो कि काफ़ी बड़े बजट की फिल्म बताई जा रही है, ये दिवाली पर रिलीज़ होगी। तो ये थी उन तमाम बड़ी फिल्मों का रिलीज़ डेट हमने आपको बताया, जो कि आप सिनेमा हॉल में जाके देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप इन फिल्मों का देख सकते हैं जाके सिनेमा हॉल में, और या फिर ये कई फिल्में जो हैं OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही हम आपको बॉलीवुड की सारी अपडेट्स देते रहेंगे।